अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही कड़कड़ में भगवान राम के होने का एहसास होता है। शहर का कोना कोना राम की भक्ति में लीन और सब कुछ राम में नजर आता है। तो आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी की उस गली में जहां बनता है भगवान राम के लिए खास पान। ये पान खास इसलिए क्योंकि इस पान का प्रतिदिन भगवान रामलला को भोग लगता है। दुकान के विक्रेता विनय नाग बताते हैं कि भगवान रामलला के लिए पान बनाने का काम उनकी कई पीढ़ियों ने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले भोग के लिए 16 पान जाते थे, लेकिन इस समय 40 पान प्रतिदिन जा रहे हैं। हमारे लोग का तो पुश्तैनी काम है। हमारे पिताजी पहले पान देते थे रामलला को। हमारी जन्मभूमि के पास दुकान थी, मंदिर के जस्ट बगल रामलला के मंदिर, मानस भवन वहाँ मंदिर पड़ता है, उसी के बगल मेरी दुकान थी। 1992 में मेरी कार सेवा जब हुई थी तो उस समय मैं मतलब वहाँ से अधिग्रहण का काम शुरू हो गया था। उसके बाद से मेरी दुकान यहाँ शिफ्ट हो गई हनुमानगढ़ी के पास। पहले भी पान जाता था, पहले 16 पान जाता था, फिर 20 हो गया, अब इस समय 40 पान हमारा मतलब प्रतिदिन जा रहा है। तो हम लोग मतलब 40 पान इस समय प्रतिदिन देते हैं रामलला के भोग के लिए। तो बस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पास पुजारी जी को हम लोग दे देते हैं। तो ये परंपरा कब से है? अब हमारे पिताजी देते आए, अब हम लोग दे रहे हैं। दो पीढ़ियां हो ही गई, 50 साल से ऊपर हो ही गया। पान का भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया जाता है। पुजारी भगवान रामलला के सम्मुख पान का भोग लगाते हैं। बता दें कि यह पान अत्यधिक सुगंधित और मीठा होता है। यह विशेष प्रकार का पान होता है जिसमें एक पूरे पान के पत्ते पर विशेष प्रकार की सामग्री मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद पान को भोग के लिए दे दिया जाता है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए इस पान के दुकानदार को 551 पान का ऑर्डर दिया गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 551 पान इस दुकान से मंदिर में पहुंचेंगे। भूमि पूजन जब हुआ था तब हम लोग 151 पान रामलला के भोग में दिए थे। अब जैसे प्राण प्रतिष्ठा है तो इसमें काफ़ी वीआईपी लोग भी आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो हमारी तैयारी चल रही है, 551 पान का मुझे ऑर्डर मिला हुआ है 22 तारीख को, और उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। पान में हमने गुलकंद, केसर, चेरी, गरी, सौफ, मीठी सौफ आती है, स्टार इलायची हो गया, इसमें ये तो सामग्री पड़ेगी। साथ में अभी मैं चांदी का वर्क उस दिन हम लोग लगा के स्पेशल पान तैयार करके देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।